नमस्कार दोस्तों, अगर आपके गले में कफ हमेशा बना रहता है, कफ हमेशा चिपका सा रहता है, आप खखारते हैं, उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं निकलता, हमेशा ये प्रॉब्लम बनी रहती है, सालों से ये प्रॉब्लम है, तो मैं आज आपके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिससे आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये समस्या होती क्यों है। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थ्रॉट में, गले में अगर कफ हमेशा बना रहता है, कफ हल्का सा म्यूकस हमेशा जमा रहता है और आप जब बात करते हैं तो काफ़ी खरखराहट रहती है, जिसे हम हॉर्सनेस बोलते हैं, तो हॉर्सनेस भी बहुत ज़्यादा रहती है आपको, और कफ जब आप सुबह उठते हैं तो काफ़ी कफ रहता है, दिन में हल्का कम हो जाता है, किसी किसी को तो दिन में भी रहता है, और बार बार आपको कफ निकालना पड़ता है, हमेशा ऐसे करके कफ निकालना पड़ता है। ये समस्या काफ़ी पुरानी है, तो मोस्टली ये बहुत सारे कारणों के कारण होती है, मतलब कॉजेज के बहुत सारे हैं। जो अमूमन सबसे बड़ा कॉज है वो है पोस्ट नेजल ड्रिप। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है या एलर्जी की प्रॉब्लम है तो नाक में, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, नाक में काफ़ी कफ और म्यूकस बनता है और वो पीछे की तरफ जाता है और आपके गले में वो कफ बना सा रहता है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। पोस्ट नेजल ड्रिप सबसे बड़ा कॉज है गले में कफ बना रहने का। दूसरा कारण है अस्थमा। अगर अस्थमा या एलर्जी, आप दोनों को ही कंसीडर कर लीजिए, अगर आपको अस्थमा है या एलर्जी है या एलर्जी ब्रोंकाइटिस है या एलर्जी आपको है उसके कारण थ्रॉट में इन्फेक्शन होता रहता है, तो हमेशा गले में कफ बना रहेगा और सालों से आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। तीसरा कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, मोस्टली अगर लंबे समय से है तो ये बैक्टीरियल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको थ्रॉट में होगा या आपके साइनस में होगा, और जिसके कारण आपको हमेशा गले में कफ सा बना रहेगा या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये प्रॉब्लम होगी। एक बहुत ही प्रमुख कारण है एसिड रिफ्लेक्स। इस तरह का जो सिम्टम होता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम के कारण, हाइपर एसिडिटी के कारण हमेशा गले में इरिटेशन होता है, ऐसा महसूस होता है कि वो कफ है लेकिन ज़्यादा कफ नहीं निकलता, जो मुंह का थूक है और थोड़ा सा जो म्यूकस है वही आप निकाल पाते हैं, लेकिन आपको महसूस होता है कि हमेशा कफ बना हुआ है, तो एसिड रिफ्लेक्स भी बहुत बड़ा कारण है इसका। और एक प्रमुख और कारण है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, COPD। COPD अधिकतर जिनकी उम्र 50 साल उससे ज़्यादा है उन्हें ये होता है, पहले अस्थमा की प्रॉब्लम रही, उसके बाद COPD की प्रॉब्लम हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन साथ में गले में हमेशा कफ सा बना रहता है। और लास्ट में कुछ दवाइयों के कारण, खासकर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिंस के कारण आपके गले में कफ जैसा हमेशा महसूस होता रहेगा। तो ये थे कुछ प्रमुख कारण कफ अगर आपके गले में हमेशा महसूस होता रहता है इसके। अब चलते हैं सीधा मेडिसिन की तरफ, होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। देखो, कुछ सालों पहले मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया था, बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वीडियो की पिक्चर आपको दिख ही रही है। बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन में तीन मेडिसिन है, एकोनाइट 200 जो कि कफ के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, स्पॉन्जिया टोस्टा 200 गले में कफ हमेशा चिपका सा रहे, गले में खराश बनी रहे, गले में इन्फेक्शन हो, स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हिपरसल्फ 200 गले में के इन्फेक्शन को ठीक करता है और जो कफ बना हुआ सा चिपका हुआ सा रहता है उसे निकालने में, बहुत इजीली निकालने में बहुत मददगार मेडिसिन है। तो आपको सिंपली बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन ये यूज़ करना है। बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन आप बना लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। सिंपल आपको हिपरसल्फ 200, स्पॉन्जिया टोस्टा 200 और एकोनाइट 200 तीनों को मिलाना है, और मिलाने के बाद दो बूंद सुबह पीना है, क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है तो आपको सिर्फ दो बार लेना है, सुबह और शाम को दो बूंद सुबह पीना है, ऐसे डायरेक्टली टंग में डाल दीजिए, दो बूंद सुबह सुबह पी लीजिए, और एक बार रात में यूज़ कर लीजिए दो बूंद, बस
दो बार ही यूज़ करना है दोस्तों। दूसरी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है काली मिर्च क्रोमियम। दोस्तों काली मिर्च क्रोमियम अगर आपके गले में हमेशा इरिटेशन सा बना रहे, हल्की खांसी ठुसकी भी रहे और साथ में गले में हमेशा कफ बना रहे, पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, छींके भी आती हो, सर्दी भी हो हल्की सी और कफ हमेशा गले में बना रहे, या सिर्फ कफ अगर गले में हमेशा बना रहता है और खासकर ये रात में ज़्यादा समस्या होती, हालांकि दिन में भी होती है तब भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, तो काली मिर्च क्रोमियम सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन है अगर आपके गले में हमेशा कफ बना रहता है। तो काली मिर्च क्रोमियम आप 200 CH पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में दो बूंद सुबह पिए, दो बूंद रात में पिए। ये मैं क्रॉनिक और सब एक्यूट कंडीशन के हिसाब से पोटेंसीज बता रहा हूँ। एक्यूट कंडीशन में आप 30 CH कर दीजिएगा, मतलब अभी आपको 10-12 दिन से ये प्रॉब्लम है तो सब 30 CH में यूज़ कर लीजिएगा। आपको अगर एक महीना या एक साल या डेढ़ साल या दो साल से प्रॉब्लम है तो 200 CH में यूज़ करिएगा, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पुरानी बीमारी हो गई है लेकिन जड़ से ठीक हो जाएगा। तो काली मिर्च क्रोमियम दो बूंद सुबह पिए, दो बूंद रात में। दोस्तों लास्ट में एक आपको बायोकेमिक कॉम्बिनेशन यूज़ करना है और ये मेरा बनाया हुआ बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, आपको कुछ नहीं करना। दो मेडिसिन लेनी है, पहली मेडिसिन है काली म्यूर लेनी है 6x पोटेंसी में। काली म्यूर दोस्तों एलर्जी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और मोस्टली ये प्रॉब्लम एलर्जी के कारण होती है, तो काली म्यूर और साथ ही साथ ये कफ को भी निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। कफ भी निकलता है और कफ जो बन रहा है बार बार उसे भी ये नहीं बनने देती, तो काली म्यूर आप 6x पोटेंसी में यूज़ करें। दूसरी जो मेडिसिन है बायोकेमिक साल्ट है वो है साइलिशिया। साइलिशिया आप 12x पोटेंसी में, 12x ट्रैचुरेशन टैबलेट में यूज़ करें। पिक्चर आपको दिखी रही है, कन्फ्यूजन मत करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। साइलिशिया 12x और काली म्यूर 6x। साइलिशिया 12x करती क्या है ये बता दूँ, ये इन्फेक्शन को ठीक कर देती है और एलर्जी को भी ठीक कर देती है, तो बहुत ही इफेक्टिव क्रॉनिक कंडीशन में तो ये सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। तो साइलिशिया 12x और काली म्यूर 6x इन दोनों को ही आपको मिला लेना है। मिलाने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। आप 15-15 मिलीग्राम की CC ले लीजिएगा काली म्यूर 6x साइलिशिया 12x, और घर में बहुत सारी आपके पास खाली साफ सीसियाँ रहती हैं या छोटे डब्बे रहते हैं, थोड़े से बड़े होने चाहिए, उन दोनों मेडिसिन को काली म्यूर 6x और साइलिशिया 12x को दोनों को ही आप मिला दीजिए, और डब्बा अच्छा टाइट होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, और उसे डब्बे को आप अच्छे से बंद कर दीजिए। डब्बा जो है वो साफ़ भी होना चाहिए, ये बोलने की ज़रूरत नहीं, तो साफ़ डब्बा, एयर टाइट डब्बे में दोनों ही मेडिसिन को आप मिलाइए और ढक्कन को बंद कर दीजिए और अच्छे से उसे हिला लीजिए। हालांकि बराबर तो नहीं मिल पाएगी लेकिन काम चल जाएगा और ये कॉम्बिनेशन बेहतरीन काम करता है। अब आपको यूज़ कैसे करना है, बस बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको 6 गोली सुबह चूसना है, 6 गोली दोपहर में चूसना है और 6 गोली रात को चूसना है। ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह का थ्रॉट कफ कॉम्बिनेशन। तो थ्रॉट कफ कॉम्बिनेशन जो है वो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन आप यूज़ करें 6 गोली सुबह दोपहर शाम। बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन आप यूज़ करें 2 बूंद सुबह शाम, और काली मिर्च 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप पहले 15 दिन लें, आपको आराम लगे तो फिर इसे 2 महीने तक यूज़ करें, लगभग 70-80% ठीक हो जाए तो इसे 3-4 महीने और एक्सटेंड करें और यूज़ करें, और आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये समस्या काफ़ी सारे लोगों को 6-7 सालों से भी होती है, तो थोड़ा सा समय, जैसे आपका बहुत पुराना प्रॉब्लम है तो थोड़ा समय और ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पहले 15 दिन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आराम लग रहा है। अगर आराम लग रहा है तो फिर आप बिना सोचे ये मेडिसिन को कंटिन्यू करिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दी गए तो उसको दबाना बिल्कुल दीजिएगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दी गए तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर के बटन दी गए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और मेरा ईमेल आईडी है kirtivikramsinghparihar@gmail.com। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट आईडी, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, यहीं पर जाके आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, तो आप वहाँ पर जाके आप बता सकते हैं। ईमेल आईडी आप हमेशा नोट कर लीजिएगा, kirtivikramsinghparihar@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही,
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।